स्वच्छ इंदौर में आज सुनील शेट्टी जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। यूथ बाय आइडल जो है वो सुगंध बिखेरने के लिए इंदौर में आए हैं। तो सर, क्या मोटिव रहा दुबई से इंदौर आना? आई थिंक ब्रांड की क्वालिटी, ब्रांड के फ्रेग्रेंसेस, ब्रांड की रिलायबिलिटी, ब्रांड के से जुड़े लोग, प्राइसिंग, एवरीथिंग। और इस वजह से इंडिया, एंड आई एम हैप्पी कि इंडिया आए। ऑफकोर्स मेहनत बहुत लगी, दो साल की R&D, रूल्स, रेगुलेशंस, हर चीज़ परफेक्ट होना, यू नो, राइट फ्रॉम द फ्रेग्रेंसेस टू एवरीथिंग दैट इज़ ऑफिशियल अबाउट दिस ब्रांड। ये एक 100% ऑफिशियल ब्रांड है और यही इसकी खूबी है। सर, ब्रांड तो इंदौर में बहुत सारे हैं, लेकिन ओड बाय आइडियल क्यों लोग पसंद करेंगे? या लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर मोर देन 130 SKUs है। एक हम एक परफ्यूम की बात नहीं कर रहे, हम एक स्टोर की बात कर रहे हैं, हम 1 vs 100 की बात कर रहे हैं। तो ब्रांड्स बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे ब्रांड्स भी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक स्टोर विद 100 SKUs मैंने आज तक नहीं देखा है इंडिया में, और ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इट्स इंडिया। हाँ, मार्केट प्लेस है जहाँ एक स्टोर में 50 ब्रांड्स होंगे, लेकिन एक ब्रांड के 50 प्रोडक्ट्स वो आपने नहीं देखा होगा। सर, फिल्म की बात करें तो हेरा फेरी 3 लोग जो है वो अपकमिंग देखना चाहते हैं आपको स्क्रीन पे। ओनली आफ्टर वेलकम टू द जंगल ये हो पाएगा, क्योंकि इसके प्रोड्यूसर सेम है, सो फिनिश होने के बाद यही कोशिश है कि वी डू दैट। तो ये थे इंदौर में सुनील शेट्टी, जिन्होंने हमें बताया कि फ्रेग्रेंस तो बहुत सारी है, लेकिन ओड बाय आइडियल जो है वो बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है। मैं रुचिका जायसवाल, एशियन भारत के लिए।